अब बात करते हैं देश के उस राज्य की जहां कोरोना का टाइम बॉम्ब टिक टिक करके बिल्कुल फटने की तैयारी में है। केरल में कोरोना का विस्फोट हो सकता है और पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से कोरोना के मामले आए हैं उसमें 30% की वृद्धि 24 घंटे में आ गई है। हमारे साथ इस वक्त समीर भाटी साहब जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा भी हैं, पूर्व निदेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। समीर भाटी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, फ्लू एक तरीके से पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, कई सारी घटनाएं इस तरह की आ रही हैं, तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, कई जगह पे स्कूल खुल रहे हैं, क्या केरला को एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में इस समय जाना चाहिए? देखिए, अभी जैसा बताया डॉक्टर मिश्रा ने भी, कई बार जैसे जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स होते हैं, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स के कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि एकदम से हमारा पॉजिटिविटी रेट और इन्फेक्शन इस तरह से बढ़ जाता है। रही बात जैसे हम केरला की बात कर रहे हैं, केरला के लिए पहले से अलर्ट हम उस टाइम ही हो गए थे और उसी टाइम कर दिया गया था जब हमारा फोर्थ सीरो पॉजिटिविटी रिपोर्ट आई थी। सीरो पॉजिटिविटी रिपोर्ट में भी बिल्कुल क्लियर कट बताया गया था कि केरला के अंदर जो सीरो पॉजिटिविटी रेट है वो 44.6%, मतलब वहां की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। उसके अलावा वहां पर केसेस भी कंसिस्टेंसी से बढ़ रहे थे, तो वो उसको अगर हम तब तक केसेस का, जैसा कि अभी हमारी सेकेंड वेव में हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा कंटेजियस है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, एक तो ससेप्टेबिलिटी की बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी ससेप्टेबल है और जो वेरिएंट है इस तरह का जो हम देख रहे हैं बाकी देशों में भी फैल गया है, ये सब होने के बाद हमें डेफिनेटली कंटेनमेंट पे बहुत ज्यादा अधिक अग्रेसिवली काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि कोई देश के अंदर एक ही जगह होती है जो एपिसेंटर बनता है और वहां से फिर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, और जैसा आप बता रहे हैं कि फ्लू वाले केसेस डेफिनेटली अभी हम देख रहे हैं, और थोड़ा सा चैलेंज उसमें आ रहा है कि वो फ्लू एंड कोविड के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम तरह के और पेशेंट्स आजकल आ भी रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकली मैं दिल्ली में की बात करूं तो यहाँ पे फ्लू के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोविड पॉजिटिविटी रेट तो 0.1% से बहुत ही नीचे है। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, केरला में ऐसा क्या हो रहा है कि जिस मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, शुरुआत में कहा जा रहा था कि इस मॉडल को पूरे देश में लेके जाना चाहिए, वहीं पे आज सबसे बड़ी चिंता की स्थिति बनी हुई है। ये बहुत चिंताजनक है, बिल्कुल इससे मैं सहमत हूं, और जिस प्रकार से पिछले करीब 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि पहले महाराष्ट्र भी शामिल था उसमें और दक्षिण भारत के सभी राज्य लगभग ज्यादा संक्रमण दर्शा रहे थे, लेकिन अब जो सामने आप पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई में बहुत चिंता में डालता है हम सबको कि अगर वहां पे इतना उछाल केसेस में आया है तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से है, क्यों है, और क्यों केरल सरकार इसमें फेल हो गई। क्योंकि सब उदाहरण पिछले वर्ष भी हम लोग केरला और छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में और जो भी हम लोग कहते हैं जो मंत्र हैं कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट एंड टीम वर्क, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगी है और शायद वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, और टेस्टिंग यूपी से कम है केरला की, आज की अगर आप देखें पिछले 24 घंटे की तो टेस्टिंग भी कम हुई है और मृत्यु भी लगभग एक तिहाई जो मृत्यु है वो केरला से ही है। और जबकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, 25-24 करोड़ की जनसंख्या है, वहां पे स्थिति, दिल्ली में स्थिति बहुत कंट्रोल में है, बहुत बेहतर है, और उत्तर भारत के सभी राज्यों में कमोवेश संक्रमण की स्थिति है, लेकिन अगर केरला में ये स्थिति बनी रहती है अगले हफ्ते दो हफ्ते तो ये बात पूरे देश को संकट में डालने वाली बात है। बिल्कुल, इसलिए भारत सरकार और केरल सरकार दोनों को मिलके, ICMR और जो भी हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, सबको मिलके इस चुनौती का सामना करें, इस प्रकार से इसको कंटेन करें, और अगर सख्त लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है तो उसको तुरंत लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ईद में भी ढील दी थी और अब ओणम की बात चल रही है, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं केरल सरकार इसमें चूकी है और बहुत गंभीर तरीके से बिल्कुल चूकी है, और उसके साथ साथ अब पूरे देश के लिए खतरा है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पूरे देश के लिए खतरा है।